जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय साइंस क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5, हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ मीन्स स्वस्थ, स्वस्थ एंड डिजीज़ मीन्स रोग, जो बीमारियां होती हैं कि कैसे होती है और कैसे नहीं होती और हमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। अब हम इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे। चैप्टर 5, हेल्थ एंड डिजीज़, पेज नंबर 37। हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जो हेल्थ है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर हेल्थी यू कैन डू योर वर्क प्रॉपरली। अगर यदि हम हेल्थी रहेंगे तो हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं एंड इन्जॉय योर लाइफ, और अपनी लाइफ को भी इन्जॉय कर सकते हैं। बट इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, लेकिन यदि आपकी हेल्थ सही नहीं है, यू विल हैव नो इंटरेस्ट इन एनी थिंग, तो आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले सकते, क्योंकि आप बीमार हो जाओगे तो आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी नहीं ना। इन ऑर्डर टू बी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड ईट द राइट काइंड ऑफ फूड, हमें सही प्रकार का भोजन करना चाहिए। द राइट काइंड ऑफ फूड कंटेन्स मैनी न्यूट्रिशंस विच आवर बॉडी नीड्स। सही प्रकार के भोजन में कई पोषण तत्व होते हैं जो हमारी शरीर को ज़रूरत होती है, जिनकी। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व। अब ये हमें किससे मिलते हैं, किन किन चीज़ों से मिलते हैं, ये हम आगे कंटिन्यू करते हैं। द फूड दैट वी ईट कंटेन स्पेशल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भोजन हम खाते हैं वह विशेष पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट फ्रूट, जो अलग अलग भोजन होते हैं उनमें ही अलग अलग हमें पोषक तत्व मिलते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू स्टे हेल्थी। हमारी बॉडी को अलग अलग पोषक तत्व की, हर प्रकार के पोषक तत्व की ज़रूरत होती है जिससे हम अपने खुद को स्वस्थ रख सकें। और ये हमें मिलते किस किस चीज़ से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स इन दी बॉडी। ये हमारे मेन पोषक तत्व हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे कंटेन्स वी कैन क्लासीफाई द फूड आइटम इंटू 3 ग्रुप्स। इन पोषक तत्वों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? थ्री समूह में डिवाइड किया गया है। आपने ये थ्री समूह, जो थ्री फूड आइटम है, ये आपने छोटी अपनी क्लासों में पढ़ रखे हैं अच्छे से। दे आर एनर्जी गिविंग फूड। कौन कौन से होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, ये आपने पढ़े थे ना। लेट अस लर्न द फंक्शंस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फूड इन आवर बॉडी। अब हम आगे पढ़ते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में, क्या मतलब हमारी जो बॉडी है, जो बॉडी के फंक्शन है, उनको किसको किस चीज़ की नीड होती है। एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी गिविंग जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एनर्जी गिविंग फूड्स कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है हमारे शरीर को एनर्जी देने का। दे आर फाउंड इन, और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? राइस, चावल, वीट, गेहूँ, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ब्रेड एंड बनाना, इन चीज़ों में हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें फैट्स आल्सो गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। जो फैट्स हैं वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट्स, जिसमें फैट्स होता है वसा, जो ऑयली और ऑयली चीज़ें होती हैं। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स। कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है? फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कब?
दे आर, और ये क्या होता है फिर जब ये फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी, और ये हमारे शरीर में जमा हो जाता है एंड कॉज ओबेसिटी, और ये हमारे मोटापे का कारण बनता है जिससे हम मोटे हो जाते हैं। दैट्स वाई डॉक्टर्स एडवाइज अस नॉट टू टेक टू मच ऑफ फैट, इसलिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि हम अधिक मात्रा में क्या ना लें, फैट्स ना लें, वसा ना लें। हमें लेना चाहिए बट क्वांटिटी कम होनी चाहिए उसकी। जैसे आप डेली खाते हो तो आप वीक में 2 टाइम्स खा सकते हो, बट लेनी चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे शरीर को फैट्स की भी ज़रूरत होती है। बट ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए जिससे हम बीमार हो जाएं। फैट्स आर फाउंड, और ये फैट्स हमें किस किस चीज़ में मिलता है, घी, ऑयल, चीज़, बटर, मीट एंड नट्स। नट्स होते हैं जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें। फैट्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर बॉडी वार्म, फैट्स क्या रखते हैं, हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। इसलिए आप लोग मोस्टली लोग आप लोग क्या खाते हैं सर्दियों में, बादाम खाते हैं। वो बादाम जो है हमारे नट्स में आता है, वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। इसलिए गर्मियों में बादाम नहीं खाते क्योंकि वो ज़्यादा गर्म, क्योंकि गर्मी हो रही होती है तो हमारे शरीर को भी ज़्यादा गर्म रखते हैं। आगे पढ़ते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, जिससे हमारी क्या बनती है, बॉडी बनती है। और किस चीज़ में मिलते हैं वो, प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड कंटेन प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग फूड किस चीज़ में कंटेंट्स है, प्रोटीन में। प्रोटीन हेल्प इन द ग्रोथ, प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस देखते हैं। डू यू नो, आप जानते हो, वाई चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स दैन अडल्ट, कि बच्चे चिल्ड्रन बड़े होने पर ज़्यादा प्रोटीन क्यों लेते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो और वो अच्छे से बढ़े। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि द चिल्ड्रन कीप ऑन ग्रोइंग ऑल द टाइम, क्योंकि बच्चे ऑल द टाइम ग्रो करते रहते हैं। और हमें प्रोटीन किस किस चीज़ में मिलती हैं, पल्सेस, दालें, मिल्क, एग्स, मीट, फिश, चीज़ एंड कर्ड। कर्ड मीन्स दही, आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ये अच्छे स्रोत है, सोर्सेस होता है स्रोत है कि जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये हमें मिलते किस चीज़ से हैं, अब हम पेज नंबर 38 पे पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटेक्टिव फूड कौन से, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दिस न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मैनी डिजीज, ये हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज़, हमारी बीमारियों से। क्योंकि क्या होता है, देखो जब हम बीमार पड़ते हैं ज़्यादा तो डॉक्टर हमें किस चीज़ की सलाह देते हैं, फ्रूट्स खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, एप्पल खाओ, ठीक है, ये फ्रूट में आते हैं ना, जिससे हमारी बॉडी जल्दी से रिकवर कर सके और हम ठीक हो सकें। आवर बॉडी रिक्वायर्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, हमारी बॉडी को ज़रूरत तो होती है लेकिन कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। बट देयर स्टोरेज इन दी बॉडी में कॉज सेवरल डिजीज, लेकिन शरीर में इनका जो जमाव हो जाता है, मतलब ज़्यादा अगर इनको हम ज़्यादा सेवन करेंगे तो ये हमारी बॉडी में डिजीज़ भी पैदा कर सकती है, बीमारियाँ भी। तो हर चीज़ हमें, कुछ भी चीज़ हो हमें सही क्वांटिटी में खानी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमें किस में मिलता है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश आर गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन हमें किस किस चीज़ में मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एग्स में, फिश में, ठीक है। आयरन एंड कैल्शियम आर टू ऑफ द मैनी मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी, आयरन और कैल्शियम ये दो मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, फ्रूट्स
आर रिच इन मिनरल्स, और फ्रूट्स भी खाने चाहिए जिसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। रफेज एंड वाटर, रफेज क्या होता है? खनिज, वाटर मीन्स पानी। रफेज इज द फाइबर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज फलों और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर है। इट कीप्स द बाउल मूवमेंट प्रॉपर एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये क्या करता है? ये हमारे जो आंत होती है उसको उचित रखता है, और हमारी जो क्या होती है गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है उसको नहीं होने देता हमारी बॉडी में। ग्रीन लीव वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, कुकुम्बर, खीरा, ऑरेंज एंड एप्पल आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। इनसे ही हमें ये रफेज के अच्छे अच्छे सोर्स हैं। वाटर कीप्स अवर डाइजेशन प्रॉपर। वाटर क्या रखता है? हमारे जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको अच्छे से रखता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और जो हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है मटेरियल, जो जो हम खाना खाते हैं जो यूज़ होता है हमारी बॉडी में लग जाता है, और जो बाकी जो वेस्ट होता है वो जो पानी होता है वो किसके जरिए बाहर निकलता है? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के जरिए एंड स्वैट के जरिए। यूरिन मीन्स मूत्र और स्वैट मीन्स पसीना। पसीने के जरिए हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। कंटिन्यू करते हैं आगे। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट मीन्स संतुलित आहार। थिंक, सोचो, व्हाट वुड हैपन, यदि क्या होगा इफ वी कंटिन्यू टू टेक ओनली वन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर डेली फूड। यदि हम डेली एक ही भोजन जिससे हमें एक ही पोषक तत्व मिल रहा है अगर हम डेली वही खाएंगे तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? इट वुड कॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ अदर न्यूट्रिशंस। इससे हमारी शरीर में कमी हो जाएगी न्यूट्रिशंस की एंड द बॉडी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, और हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपरली। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स। इसलिए हमारी बॉडी को ऑल जितने भी पोषक तत्व हैं सभी, एक ही नहीं है कि हम एक ही चीज़ें खाते रहें, हमें सभी पोषक तत्व को प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। इन एडुकेट अमाउंट इन आवर फूड टू कीप द बॉडी हेल्थी। द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट क्वालिटी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। हमें प्रतिदिन जिस आहार की जरूरत होती है उसे हम अपनी बैलेंस्ड डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। द अमाउंट ऑफ फूड वी नीड डेली डिपेंड्स ऑन आवर एज। जो हम फूड खाते हैं हमें कितनी मात्रा में फूड खाना चाहिए ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी एज पे, हमारे जेंडर मीन्स हो गया मेल या फीमेल, लड़का या लड़की, एंड जनरल लेवल ऑफ एक्टिविटी, और हम कितनी कैसी एक्टिविटी करते हैं कि हमारा वर्क कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही हम खाना खाते हैं। अगर हम उसके अकॉर्डिंग खाना नहीं खाएंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे तो हम क्या हो जाते हैं? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन एज, जेंडर एंड द नेचर ऑफ वर्क दे डू। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग और उनके काम के अकॉर्डिंग। ए यंग पर्सन, जो एक यंग पर्सन है, डूइंग फिजिकल वर्क रिक्वायर्स मोर न्यूट्रिएंट्स दैन एन ओल्ड मैन हु जनरली स्टेज एट होम। जो एक यंग पर्सन है उनको ज़्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जो एक घर में जो ओल्ड व्यक्ति रहते हैं उनसे ज़्यादा। आपने देखा होगा जो ओल्ड व्यक्ति होते हैं, ओल्ड पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं? हल्का भोजन लेते हैं खाने में अपने, और जो यंग पर्सन होते हैं वो थोड़ा हैवी फूड लेते हैं। ओके, आपको देखो नीचे एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 39 पे। कंपेयर द फॉलोइंग डाइट चार्ट, आपको डाइट चार्ट दी हुई है विद योर ओन फूड इनटेक। आप कौन सा फूड इनटेक करते हैं
फाइंड आउट वेदर यू ईट सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड और नॉट, आपके लिए सफिशेंट है या नहीं है। आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, एज दे रखी 7 to 9 और 10 to 12, आप इसमें देखो आपकी एज किसके अकॉर्डिंग है, आपको कितनी क्वांटिटी में